सो हेलो गाइस, मैं आया था छठ पूजा का थोड़ा व्लॉग बनाने, पर मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया भाई। माउंट फिर से टूट गया यार, ये निकल गया भाई। और ये वो है जो मैंने नया मंगाया था भाई, ये देखो ये क्वालिटी है इसकी। और ये अमेजोन पे सर्टिफाइड प्रोडक्ट था भाई, सर्टिफाइड प्रोडक्ट एकदम। क्या यार, क्या देते हो यार तुम लोग, यार पूरा माउंट खराब कर दिया ना। चलो कोई नहीं, इस वीडियो को मैं अमेजोन पे जरूर डालूंगा। चलो फिलहाल चलते हैं और है वीडियो बनाएंगे ऐसे ही। अभी सुबह सुबह सो के उठाऊँ मैं जस्ट, और सीधे आ गया राइडिंग पे, आज है संडे। तो चलो छठ पूजा में चलते हैं, वहाँ मिलते हैं, वहाँ करेंगे बात। की तैयारी, तो चलो इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। मैं हूं पुलकित तोमर और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर म्यूजिक राइडर में। और अभी हम दिखाएंगे सारी तैयारी आपको छठ पूजा की कैसी चल रही है भाई। ये भाई यहाँ पे ना ये कुछ मैं इनके बारे में पता करूंगा कि ये क्या है। यहाँ पर ये बनाए हुए हैं और ये बहुत लंबे घाट में सामने हिंडन है, वो जो आपको दिख रही है पेड़ों के बीच में जो वो जगह दिख रही है, वो सब हिंडन है, हिंडन नदी है। और यहाँ अभी कोई भीड़ नहीं है, हम हैं एलिवेटेड रोड के नीचे, एलिवेटेड फ्लाई ओवर है। छठ पूजा सेल्फी पॉइंट भाई, इसको क्या बोलते हैं, क्या बना रहे हैं, छठ घाट बना रहे हैं, छठ घाट इसको, ये मतलब ये सारे छठ घाट है। अच्छा, तो ये मतलब लोग अपने आप बनाते हैं इन सबको। आप लोग कहाँ से? कहाँ पर? अर्थले में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये स्पेस शायद इनका जो स्पेस है ये एक आदमी का एक होता होगा, आई थिंक सो ऐसा कुछ होता होगा इनका। फैमिली, आप ही के फैमिली मेंबर्स ना, ऐसा थोड़ी ना कोई भी आगे, मतलब कोई भी आगे नहीं बैठ सकता, पहले बनाना पड़ता है आगे। ये वैसे कोई अगर कोई आ जाए तो मना भी नहीं कर सकते, जैसे कोई आगे पहले बैठ जाता तो उसको उठा भी नहीं रखते। पर ये मतलब आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे ना, प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो जो टोकरे देखते हैं ना, डाला जो होता है, हाँ वो मतलब पांच डाले यहाँ। अच्छा, आपने ये नहीं बनाया? नहीं, वहाँ पे तो कोई और बनाया। छठ घाट यहाँ बनाओगे अभी? नहीं, ऐसा नहीं, जो पीछे बैठते वही बनाते हैं। अच्छा, सबका अलग अलग हिसाब होता है। ये वहां से मतलब कि उसके नीचे से वो फ्लाईओवर है ना, वो जो फ्लाईओवर दिख रहा है उसके नीचे से स्टार्ट है और यहाँ से बहुत लंबे तक है भाई। ये काम कर रहे हैं यहाँ पे सब, अपने छठ घाट बनाने में लगे हुए हैं भाई, सजाने वाले मेरे ख्याल से नगर निगम के लोग भी लगे हुए हैं यहाँ से बढ़िया करने के लिए। इसे इन्होंने देखो क्या बढ़िया छठ घाट बनाया। तो भाई छठ पूजा की चल रही तैयारी, पीछे सूरज है तो शायद ना दिख रहा हूँ, दिख भी रहा ना आ रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हेलमेट लगा रखा है मैंने। तो भाई चल रहे प्रशांत भाई के घर, और इतने ज्यादा दिक्कत हो गई है ना भाई, ये माउंट टूट गए थे, मैं रस्ते कुछ दिखा नहीं पा रहा, और मैं आया था ब्लॉगिंग करने यार। अमेजोन वालों ने ना यार पूरा मूड ही खराब कर दिया, क्यों देते हो सर्टिफिकेशन जब इतने बेकार ही प्रोडक्ट निकाल रहे हैं यार, पूरा मूड ही खराब हो गया। चलो चल रहे प्रशांत भाई के लिए, प्रशांत भाई से अभी बात हुई है फोन पर, तो वो घर पे ही है आज और फ्री है, तो मिलते हैं प्रशांत भाई के। ओके ब्रो, चलो। तो भाई रस्ते में यहाँ से और वहां तक की वीडियो बनाई मैंने पर नहीं बनी, व्हाट द एफ। चलो कोई नहीं, शायद आज किस्मत ही खराब है हमारी, देखते हैं और चलते हैं धीरे धीरे। हम निकलते हैं प्रशांत भाई के घर के लिए, तो मिलेंगे प्रशांत भाई से सीधे उनके घर पे ही। मैंने बनाई थी वीडियो अभी वहाँ से यहाँ तक की, पर वो पता नहीं क्यों नहीं बनी, क्योंकि रिकॉर्ड भी उनकी सब काम हो रहे थे पर वो बनी नहीं। तो चलो थोड़ा तेज चलना है तो वीडियो को करते हैं बंद। अरे भाई गला जो है ना, तो चलो वीडियो को करते हैं बंद, मिलेंगे सीधे प्रशांत भाई के पास। ओके, कर देते हैं भाई बंद, और अगर आवाज़ क्लियर ना आ रही हो तो उसका मतलब ये है कि भीड़ में भी दिक्कत है, तो उस भीड़ को भी देखेंगे बाद में। फिलहाल चलते हैं प्रशांत भाई के पास, क्योंकि हमें जाना है। ठीक, बाय।
पहुंचे प्रशांत भाई के घर अभी अभी और चल रहे हैं अंदर प्रशांत भाई के पास, क्योंकि वो अभी नहा रहे हैं। तो वो नहा रहे हैं अभी और मिलते हैं उनको रेडी होने के बाद। चलो प्रशांत भाई से मिल लेते हैं उनके रेडी होने के बाद। भाई आगे हमारे साथ है? नहीं नहीं सही है। चलो अब प्रशांत भाई चलाएंगे बाइक, मोड़ो। बस इनमें एक एक ही दिक्कत है कि भाई ये विदाउट हेलमेट चलाते हैं। हाँ, करवाओगे तुम? रहते हैं भाई हेलमेट के साथ हम। भाई साहब हमें तिलकधारी, हमें हेलमेट की जरूरत नहीं है। ये क्या मतलब है? भाई साहब हम तिलकधारी हैं, हमें हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। चलो पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे, फिर मिलते हैं, वही करेंगे बात। सो गाइस प्रशांत भाई के पास से हम सीधे आए घर पे और हमें थोड़ी देर में निकलना है अभी शो के लिए। तो उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। यार आज पूरा माउंट खराब कर दिया हमारा माउंट ने। माउंट कैसे पूरा मतलब एकदम ऐसे ही रहा, बस बेकार सा मामला। पता नहीं क्यों अमेजोन वालों ने यार मतलब ऐसा सर्टिफिकेशन देते हैं, और उस पर रेटिंग भी अच्छी खासी थी माउंट पे। तो वो मैंने अमेजोन से मंगाया था ऑनलाइन और मैंने उसको रिटर्न कर दिया है। तो अब उसकी जगह मैं दूसरा देखूंगा। मैंने जो पहले लगा रखा था वो एक्शन प्रो का था, तो वो उसकी अच्छी क्वालिटी है इससे, तो मैं एक्शन प्रो का ही मंगाऊंगा। क्योंकि ये ऑफलाइन कहाँ मिलते हैं, तो करोल बाग वरोल बाग दिल्ली में कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आसपास मुझे पता नहीं यहाँ मिलते भी हैं नहीं मिलते। क्योंकि अब अगर देख लेते हैं ना ऑफलाइन तो क्वालिटी पता लग जाता है कि क्या है। वॉशिंग मशीन बोलने लगी भाई टी। तो चलो आप वीडियो को देखो, वीडियो को एंजॉय करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है आपको, इसे फॉलो कर लो। और बताओ मुझे वीडियो में कमेंट करके क्या अच्छा करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। और बाइक में बहुत कुछ चेंज कराना है, पर यह सबसे बड़ी दिक्कत है पैसे की। पैसा नहीं मिल रहा है भाई, पैसा अगर थोड़ा बहुत कहीं से पास में आए तो पैसे का कुछ करें। तो चलो आप वीडियो को एंजॉय करो, और मैंने उसे रिटर्न कर ही दिया है अपने अमाउंट को, बस यही बातें करनी थी। तो चलो वीडियो को देखो, और ये वीडियो यहीं पर इसके बाद हम सीधे एंड कर देंगे, तो इसके बाद नहीं मिलेंगे वीडियो में। ठीक है, बाय। और हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं शो पे, रूपक भाई, और पीछे है अहमद जी, जो बैठा सामान के बीच में बैठे रहते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कितना सामान है मेरे पास। तो हम जा रहे हैं अभी सेक्टर 52 नोएडा। उसके बाद तुम्हें लैपटॉप लेना पड़ेगा, उसके लिए माउंट लेना पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है, न्यूमरोलॉजी पढ़ी है आपने, सुना है ना? हाँ हाँ। तो आपका बर्थ जो डेट है उसके हिसाब से आप कैसे हो और क्या करियर आपको चूज करना चाहिए, प्लस आपकी लाइफ में वो जो मोबाइल नंबर भी होता है, और मोबाइल नंबर भी, मोबाइल नंबर का टोटल भी फर्क पड़ता है, वो अफेक्ट करता है आपकी लाइफ के डिसीजंस में। और मोबाइल नंबर हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया, घर का। अबे 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 क्या देख रहा है भाई? आग ही को ठोक दी। क्या नहीं देख रहा हूँ, पुलिस वाला हाथ दे रहा है। चलो चलो भाई, पब्लिक कितनी गाड़ी देख रहे हो, धनतेरस वाले दिन। भाई जाम में फंस गए हैं बहुत भयंकर तरीके से। लफ्ज कितने
तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा जला होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो ट्रक से बहुत टेंशन लेता है। अरे घिसड़ दी थी ना ट्रक दो बार रंग बजा दी गाड़ी ऐसे बे मत मारे करो भाई, पीछे वाला खतरे में आ जाता है। बच गई क्या? भूली नहीं ना? नहीं बस बस काट, अब उधर देख लियो क्या हुआ? लग गई? नहीं लगी, चल ठुक गई नीचे देख लियो, नीचे 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 क्या नीचे वो निकला हुआ लोहे का पाइप सा। क्या कह रहा है? हाँ भाई बच्चों को फेमस कर दूंगा अपने यहाँ के। भाई पहुंच गए घर। यार हाँ हाँ खोलो और क्या क्या कह रहा है?